पापा के पास जाना है। नहीं, हम पापा के पास जाएंगे। जा रही हैं? आप कहाँ जा रहे हैं पापा? आप स्कूल से सीधे वापस घर क्यों नहीं गई? हम तो आपके पास आ रहे थे कहानी सुनने। बेटा ये वक्त कोई कहानी सुनने का नहीं, हम कहानी आपको रात को सुनाएंगे। रात को बोलते हैं सो जाओ, दिन को बोलते हैं घर जाओ, तब हम कहानी कब सुनेंगे? नहीं आज रात हम आपको कहानी जरूर सुनाएंगे, अब आप वापस घर जाइए। गंगू मुन्नी को घर वापस ले जाओ। हम गंगू के साथ नहीं जाएंगे। गंगू हमको नीचे उतारो, जल्दी उतारो, हम अकेले चले जाएंगे। सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। ओ सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, हमारे हमारे हम तो गए बाजार में लेने को लट्टू, हो
हम तो गए बाजार में लेने को लट्टू, हम तो गए बाजार में लेने को लट्टू, लट्टू वट्टू कुछ न मिला पीछे पड़ा टट्टू। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, गए बाजार में लेने को रोटी, हम तो गए बाजार में लेने को रोटी, हम तो गए बाजार में लेने को रोटी, रोटी वोटी कुछ न मिली पीछे पड़ी मोटी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, 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 रे मामा रे मामा रे। टोनी मासे का नाम आ गए हैं और चाय पिएंगे। बहुत अच्छा साहब। नमस्ते सरकार। नमस्ते मुनीम जी, कहाँ जा रहे हैं आप? जी जरा ये पोस्ट ऑफिस तक जा रहा हूँ सरकार। पोस्ट ऑफिस क्यों जा रहे हैं? माँ जी ने मनी ऑर्डर करवाने को कहा है। किसको कर रहे हैं? बादल बाबू के लिए सरकार। अच्छा, अभी पिछले दिनों तो 5,000 रुपए भेजे थे। जी माँ जी ने 2,000 और भेजने के लिए कहा है। जाइए। नमस्ते सरकार। टोनी हाथ क्यों कांप रहे हैं? साहब बहुत ठंडी है इसलिए। ठंडी है? गर्म कर दूं तुझे? लगता है चरस गाना फिर से शुरू कर दिया तूने। नहीं साहब, मेरी तोबा, मेरी 100 बार तोबा, जब से कसम खाया है कभी हाथ नहीं लगाया। टोनी जल्दी करो, पापा को भूख लगी है। बाप को बेटी का ख्याल रहता है और बेटी को बाप का, बस इस माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं। कई बार कह चुकी हूँ मेरा ख्याल रखने के लिए एक बहू ला दे, अब लगता है ये भी बेटी से कहलवाना पड़ेगा। तुम ठीक कहती हो माँ, अपना ख्याल रखने को एक बहू ले ही आओ तुम। सच? हाँ माँ, बादल की शादी कर दो। अरे बादल की नहीं, मैं तेरी बात कर रही हूँ। भला आप कब तक इस तरह? माँ मैं अब शादी कहाँ करूँगा, बस मुन्नी है, अब तो मुन्नी की शादी करेंगे। कोई लड़का देखा पापा? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ, बादल को वापस बुला लो, उसकी शादी कर दो। सर पे जिम्मेदारी पड़ने से वो अपने आप संभल जाएगा, नहीं तो जिस तरह वो शहर में रह रहा है मुझे आसार अच्छे नजर नहीं आते। ओ, कुछ किया उसने? किया तो होगा ही माँ, जिस तरह वो रुपए फूंक रहा है। पिछले महीने 5,000 भेजा था और अभी भी मुनीम जी ने कहा कि तुमने कुछ और रुपए भेजे। ओ, इसलिए? मैं समझे पता नहीं क्या कर बैठा है। क्या कर बैठे रहे एक दिन माँ, इतना सर पे मत चढ़ाओ, अच्छा नहीं। ये भी गया, चल बैड लक साला, 5 में से 1 भी नहीं लगा, 2,000 का फटका पड़ा है आज। अरे तू क्यों फिकर करता है बादल, और आ जाएंगे। एक भाईजान गया तो क्या हुआ,
दूसरे भाईजान तो हैं, श्योर शॉट मिस्टर रवि। खबरदार रवि को मेरा भाई का पता नहीं माँ किस गटर से उठा के लाई है और गोद दे दिया। आइंदा कभी रवि को मेरा भाई कहा ना तो याद रखना। हमें तो कुछ दिखाई भी नहीं देता, आप कहाँ हैं? हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे आप कहाँ हैं भाई? मुन्नी बेटे, नहीं आपने देख लिया? आप चीटिंग कर? नहीं, हमने कहाँ देखा? देखा था, नहीं तो आप गिरे क्यों नहीं? आपको कैसे मालूम यहाँ से नीचे उतरना है? नहीं हम नहीं। अच्छा, हम नहीं देखेंगे, आप जाइए, आप छुप जाइए। नहीं आप आँख पर पट्टी बांधिए। पट्टी बेटे, देखिए हम, अच्छा ये काला चश्मा पहन लेते हैं, अब हमें कुछ नजर नहीं आएगा, आप जाइए छुप जाइए। प्रॉमिस? जी हाँ, प्रॉमिस। थंब प्रॉमिस? ये थंब प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस डबल प्रॉमिस। लीजिए प्रॉमिस और डबल प्रॉमिस, जाइए छुप जाइए। अब आप देखेंगे ना तो गॉड से पाप मिलेगा। हाँ, तेरे की गॉड से पाप मिलेगा। पापा नो चीटिंग, डबल प्रॉमिस। पापा नो चीटिंग, डबल प्रॉमिस। पापा यहाँ तो कहीं वो सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ थी, वो सीढ़ियाँ। आइए मैं आपको रास्ता दिखा देती हूँ। जी शुक्रिया। दरअसल आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं तो अपनी बेटी के साथ यहाँ आया हूँ, वो यहीं कहीं छुपी होगी। ओ, तो कोई है आपके साथ? मैं सोच रही थी अकेले अपना ख्याल कैसे रखेंगे। जी शुक्रिया, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। थैंक यू। नहीं हम नहीं खेलेंगे, आपको हमारी टीचर ने उतार दिया। टीचर? कौन सी टीचर? जो आई है ना हमारी। आपने देखा था? हाँ हमने देखा था। आपका हाथ पकड़ कर नीचे लाई थी। अच्छा, ये आपकी नई टीचर है? हाँ। क्या नाम है इनका? शीतल, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें अकेले घर नहीं जाना पड़ेगा। पार्टी के बाद मैं खुद ही आकर तुम्हें ले जाऊंगा। नहीं फादर, पार्टी में मैं नहीं ठहरूंगी। क्यों नहीं बेटी? तुम्हारे स्कूल का चैरिटी शो है, तुम्हें तो ठहरना ही चाहिए। नहीं फादर, 6:30 तक फंक्शन का इंतजाम पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप आके मुझे ले जाइएगा। प्लीज शीतल, यूं कब तक मुड़ के देखती रहोगी और घबराती रहोगी पिछली जिंदगी से? देखो बेटी, नई जगह पर आई हो, नए लोगों से मिलो, और फिर आज नए साल की रात है, नई जिंदगी शुरू करो। आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, गौर से सुनिए, 31 दिसंबर की रात को एक बार फिर से गरमाया जाए इस फैंसी ड्रेस पार्टी का सबसे रंगीन खेल। भाई माफ कीजिए, इस खेल में भी जुर्माने की एक शर्त जरूर है। जुर्माना आपको जानते ही है, चैरिटी फंड में जाएगा जो कि स्कूल के लिए जमा किया जा रहा है। वो खेल यूं है कि एक चोर को आपके सामने लाया जाएगा। हाँ, और वो चोर है ये गेंद। आप में से कोई सांप कशीर ले आए? कप्तान साहब आप ही आइए ना, आइए। कप्तान साहब, इस चोर को आप अपनी गर्दन से दबा लीजिए, ये लीजिए। और देवी जी, आप अपनी गर्दन से इस चोर को छुड़ाने की कोशिश कीजिए। हाँ चलो 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 चलो, अरे शर्माना नहीं, चलो चलो देवी। देखा, इस तरह अगर चोर छूट जाए तो फंड में जुर्माना देना होगा। अगर किसी ने अपनी गर्दन से चोर को छुड़ा लिया तो समझना चोर उसके गले में। तो लीजिए साहब, चोर हाजिर है, जी भर के खेलिए और झोली भर के जुर्माना दीजिए। आप में से कौन साहब इस मजेदार गेम को शुरू करने के लिए तैयार है? Hi sir. Oh welcome sir. Welcome. Wonderful. Brave man. Thank you. Play the game. Gentlemen. Yes. क्या हम try कर सकते हैं? Sure. Thank you. Batman ha. Oh God help me. इतना जाली मारनी है मैं, तुम्हारा इतना छोटा पेट जरा अंदर करने को मांगता है। डोंट टच, हाथ मत लगाओ। ओके मैडम, ओह गॉड, कर
पहले पहले बाजी हार गया। तो मैडम क्या हमको जुर्माना भी देना पड़ेगा? कोई बात नहीं, लाइफ में पैसा आता जाता है लेकिन आदमी लोग नहीं मिलता। हमारे साथ मैरिज बनाएंगे। जी आप ही शुरू कीजिए ना। आप खुद ही शुरू कीजिए ना। जी मैं? क्यों नहीं शीतल जी, स्कूल के टीचर भी आप हैं और फंड भी आप ही के स्कूल का है। जी ये नहीं नहीं मैंने कर सकूंगी। लो ये तो और भी अच्छा हुआ, आखिर स्कूल के टीचरों को भी तो कुछ देना चाहिए। कम ऑन शर्माइए नहीं, बी एस फोर शुरू कीजिए। शीतल जी गो अहेड। Good luck. May I? Huh? पड़ा है गोरख धंधा, एक चोर है एक है। आप देख सकते हैं? जी हाँ देख रहा हूँ, किस मुश्किल में फंसी है। आपकी कर दूँ? मेरा मतलब है अगर आप देख सकते हैं तो उस दिन वो? उस दिन के लिए मैं सचमुच आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। दरअसल मैं अपनी बेटी के साथ खेल रहा था, आप बीच में आ गई, मैंने आपको भी गेम में शामिल कर लिया। आपने मेरी बात का बुरा माना। आप चुप क्यों हैं? कहिए कुछ तो कहिए। क्या कहूँ? कुछ भी कहिए कि कोई बात नहीं, आपने मेरी बात का बुरा नहीं माना। बुरा तो माना था। बुरा माना तो ठीक है, डांटिए मुझे। आप टीचर हैं, अपना विद्यार्थी समझकर मुझे सजा दीजिए। कहिए तो स्टूल पर खड़ा हो जाओ। लेकिन सच पूछे तो वैसे ही मेरा कद इतना होता है कि मुझे हर वक्त ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे स्टूल पर खड़ा कर रखा हो। कहिए तो मुर्गा बन जाओ जी। क्या इस खुशी के मौके पर एक गाना हो जाए। रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है। नहीं नहीं नहीं, इनकार न करो, इनकार न करो। एक तापता हुआ नगमा, कोई ऐसी दिल की बात कि जान निकल जाए। उसे दो जो जान दे दे जान, उसे दो जो दिल दे दे दिल, उसे दो जो जान दे दे जान,
उसे दो जो दिल दे दे। प्यार के नजारे हैं देख लो जिधर, अब नाचती है दुनिया खुशी का है असर। लो खत्म हुआ है ये आज का सफर, लो खत्म हुआ है ये आज का सफर, अब होगी सुहानी वो कल की सहर। उसे दो जो दिल दे दे, दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे। दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे, दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे। गुंचा नहीं है जो खिलना न जाने, वो बादी सबा क्या जो चलना न जाने, वो बिजली नहीं जो चमकना न जाने, वो बिजली नहीं जो चमकना न जाने, वो इंसान नहीं जो तड़पना न जाने। दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे, दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे, दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे। उसे दो जो दिल दे दे, दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे, दिल
उसे दो जो जान दे दे, उसे दो जो दिल दे दे। जुर्माने का क्या हुआ? ओ जो मैं बिल में जमा करा दूंगा और 1000 लूंगा। हाँ जो सोचते रहोगे तो कुछ ना मिलेगा। कमाल है, सबको अंदर हंसते खेलते छोड़कर आप यहाँ अकेले खड़ी हैं। क्या बात है, आप उदास हैं? जी नहीं। उदास तो आप हैं? नहीं। तो फिर आप नाराज हैं? फिर खुश हैं? मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है। आप आप बड़े जिद्दी हैं। वो तो मैं हूँ, सबको हंसते खेलते देखना चाहता हूँ। जब तक रोतों को हंसाना लूँ, रूठों को मनाना लूँ, मैं अपनी जिद नहीं छोड़ता। कहिए आप किससे रूठी हुई हैं? मुझसे? आप गलत समझ रहे हैं, दरअसल मैं शो वगैरह सजाने आई थी। आई सी। फादर जॉन ने कहा था 6:30 बजे आके मुझे ले जाएंगे, अभी तक आए नहीं। सोचती हूँ घर कैसे जाऊंगी। तो इसमें उदास होने की कौन सी बात है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। जी देखिए, फादर मैं भी हूँ लेकिन सिर्फ एक बेटी का। फादर जॉन की तरह जगह फादर नहीं हूँ मैं, बस इतना ही फर्क है उनमें और मुझ में। आइए खाना खा लेते हैं तो मैं आपको घर छोड़ दूंगा। ऑनेस्टली आइए। अरे तू आजकल यहाँ काम कर रही है? जी हाँ। अच्छा तेरे घर वाले तो सब अच्छे हैं? हाँ? आपने यहाँ तक छोड़ने की तकलीफ की, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात। नमस्ते। नमस्ते। गंगू का हुआ? का हुआ? हाँ, ये फूल ले वास्ते। हाँ। तो ला, तो खुद ही लगाई दे हमरे जुड़े माँ। अरे गंगू, ये पीला गुलाब तो हमका कहीं नजर ही ना आवत है रे, तू कहाँ कहाँ से ढूंढ के लावत है? पहाड़ की परली पार से? राम कसम, इतनी दूर जाना पड़त है तो का? अरे रोज रोज काहे इतनी तकलीफ करत है रे हमरे लिए? हम जानत हैं तेरे मन में हम लोग कितना ख्याल है। अच्छा अब हम जाते हैं। हाँ हमका जल्दी है रे। पहुंचाई दे, हमार पाँव में मोच आए गए। सचमुच मोच आई या फिर कोई बहाना सूझा? सच्ची बाबू, राम कसम हम झूठ नहीं बोले थे, जानबूझ के हम कभी झूठ नहीं बोले बाबू। हाँ बेख्याली में जबान से सटक जाए तो और बात है। चलो, अरे चलो ना, का विचार करत हो? लंगड़ा लूला का मदद करी तो धर्म का काम है, और इतने खूबसूरत तो हम हैं कि तो हार संग बैठे सकत हैं। तुम बहुत कोरे हो बाबू। क्या? बुद्धि से नहीं मन से कोरे हो बाबू, मन से। जरा भी प्रेम ना है तो हार मन में। मुई लकड़ी की तो सब जात जानो, पर लड़की की एक बात तो नहीं समझो। इतनी बार हमार संग मेल मिलाप हुआ फिर भी हमका पराई समझत हो। ए, तुमसे तो गूंगा गंगू भला,
बेचारा जबान से तो ना बोल सकत है पर हाथ पांव से तो बात कर लेते हैं। तुम तो ओहो ना कर सकत हो। एक बार हाथ थाम के सिर्फ महुआ कही दो, बाकी हम सब समझ जाएंगे। ओए माँ, तो हर गाड़ी हो गुस्सा करत है कोरी मुई। उतरो उतरो। और देख ज्यादा बगो ना किया कर, नहीं तो एकदम जुबान को मोच आ जाएगी। अरे सुन, का वहां तू दाएं पैर से लंगड़ा रही थी और यहाँ बाएं। वो दाएं पांव है ना। हाँ, वो तो हर गाड़ी का पी सुन के हमार जी बिदक गया ना, तो मोच सुसरी बिदक के भाग गई। हाँ हाँ बाबू, हम सच कहा था, राम कसम। हट। लो बेटी दूध पी लो। नहीं हम नहीं पियेंगे, हम दूध भी नहीं पियेंगे, हम स्कूल भी नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं करते बेटे, मैं खुद तेरे साथ चलती हूँ और देखती हूँ उस नई टीचर को। नहीं दादी माँ, तुम भी मत जाना, तुम्हें भी क्लास से बाहर निकाल देंगे। क्या हुआ माँ, दूध क्यों नहीं पी रही है? देखो तो कोई नई टीचर आई है, शीतल जो क्या नाम है उसका, कल इसे क्लास से बाहर निकाल दिया। चंदे के वक्त तो सबसे पहले हमारे पास पहुंच जाते हैं और पढ़ाई के वक्त हमारे ये बच्चे को बाहर खड़ा कर दिया। इसने कुछ किया होगा माँ, टीचर खाओ का बच्चों को क्लास से बाहर नहीं निकालती। दादी माँ, हम पापा से बात नहीं करते। कहिए क्या किया था आपने, कौन सी शरारत की थी? कहा ना आपसे बात नहीं करते। मत कीजिए, लेकिन सीधा स्कूल जाइए। दादी माँ, हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्या दीजिए पापा से? आप तो क्या, आपके पापा भी स्कूल जाएंगे। वहाँ मैं पहुँचा दूंगा, टीचर घर छोड़ दूंगा और वहाँ से टीचर के साथ चली जाएगी। आप तो क्या, आपके लिए सब बुजुर्ग। चलिए चलिए चलिए, उतरिए। छोड़ दीजिए, हम खुद चलेंगे। उतरिए। हाँ हाँ चलिए। जुर, जुर, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। I'm
आपने तो फिर आने को नहीं कहा, लेकिन हम खुद चले आए। आपके स्टूडेंट को लेकर आपकी शिकायत लगा रही थी। मेरी? जी? तुमने हमारी शिकायत की देरी से? हमने कब की? हम तो कह रहे थे कि जने निकाला ही नहीं। झूठी क्या तुम खेलो आगे। वैसे तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन कभी कभी शरारत तो जरूर से पीटा कीजिए, बेशक इसका मुर्गा बनाइए। बैठिए ना। ये लड़का कौन है? डिपू, मेरा बेटा। आपका बेटा? अच्छा, बड़ा सुंदर लड़का, वेरी चार्मिंग। आपके हस्बैंड कहाँ है? बहुत सुबह जल्दी काम पे चले गए वो, रहते तो नहीं, करते क्या है? What is he doing? जी, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। मुझे मालूम नहीं था। पता लिया, अब आप नहीं गिर सकते, तीन नहीं गिर सकते। बहुत शैतान है। जाओ बेटी, जाके गार्डन में खेलो। मुन्नी को अपना नीला संदेश दिखाओ। जाओ। बहुत तंग करता है। जी, मैं समझ सकता हूँ कि बाप के बगैर बच्चे का पालना कितना मुश्किल है। जी हाँ, उतना ही मुश्किल है जितना बगैर माँ के। आप क्या लीजिएगा? तकल्लुफ मत कीजिए, मैं जल्दी में हूँ और स्कूल में टाइम था, सोचा कि मुन्नी को आप यहाँ छोड़ जाऊँ। मैं चलता हूँ। आप क्या कह रही थी, नीला खरगोश? नहीं नहीं, खरगोश तो सफेद ही था। दीपू ने उसके ऊपर स्याही फेर दी और सबको समझाने की कोशिश करता है कि वो है ही नीला। अच्छा, असली नीला खरगोश है, देखना इसके बच्चे भी नीले होंगे। हाँ, ये काटता है? नहीं तो फिर बंद करके क्यों रखा है? भाग जाता है ना, इसलिए। तुमसे भी भाग जाता है, बहुत ताकत है इसमें। हाँ, तुमसे भी ज्यादा? नहीं, मेरे से तो बहुत डरता है। ऐसे कान से पकड़ता हूँ ना, मेरे से तो भाग भी नहीं सकता। टीपू खरगोश से बोलो ना मेरे पास आए। ए खरगोश, मुन्नी के पास जाओ। हाँ, अरे खरगोश तो भाग गया। भाग गया? चलो पकड़ ले। देख मेरे पास बंदूक है ना। अरे ये तो नकली है। आपके पास छोड़कर आया था? वहाँ तो नहीं है, मैंने समझा स्कूल गए होंगे। वहाँ गई, वहाँ भी नहीं मिले, तो सोचा आप ही क्या होंगे, यहाँ भी नहीं है। नहीं, कहाँ गए बच्चे? घबराइए नहीं, आइए मेरे साथ। जरा रुकिए, गाड़ी पीछे लीजिए।
ये गुड़िया मुन्नी की है ना, उसी के हाथ में थी ना। हाँ ये गुड़िया मुन्नी की है। जरूर इस पुल के पार गए होंगे। लेकिन ये बच्चे जंगल की तरफ क्यों गए? देखें शायद थक कर अंदर ना बैठे हों। अरे ये बच्चे तो दीपू, बाप रे बाप क्या तमाशा किया है बच्चों ने, रुला रुला के बुरा हाल कर दिया। आपको तो जरा भी डर नहीं लगा? डर तो था लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर मैं भी रोने लगता तो आप क्या करती? तो मैं चुप करा लेती, मुझे आता है। एक बात है शीतल जी, बड़ी हिम्मत है आप में, यूं अकेले दीपू को बड़ा कर रही हैं। मेरे साथ तो फिर भी मेरी माँ है और मेरे, लेकिन लेकिन आप अकेले? मैं भी अकेली थोड़ी हूँ जी। कौन है आपके साथ? मेरे पति हैं। यही लगता है कि आज भी मेरे साथ हैं। उन्हीं का हौसला लेके दीपू को बड़ा कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि सचमुच वही इसकी देखभाल कर रहे हैं। जी हाँ ये तो सच है। आज सुबह जो आप दीपू को गाना सुना रही थी तो सुन के यूं लगता था कि ये गाना माँ से ज्यादा बाप का है। जी हाँ ये गाना उन्हीं का है, वही गाया करते थे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ने उड़ने ओ, 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 उड़ने उड़ने ओ। Let's go!
हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हर जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। शीतल, एक काम करोगी? बोलो ना, करोगी क्या तुम? ना मेरा मतलब है जब होंगे तब की बात कर रहा हूं कि तुम क्या तुम मुझे दो बच्चे चाहिए चुड़मे, एक लड़का और एक लड़की। राज, तुम बहुत पाजी हो, जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे कमाल है, हिंदुस्तान में फैमिली प्लानिंग की सख्त जरूरत है, तो हमें भी अभी से प्लानिंग कर लेनी चाहिए। एक लड़का एक लड़की, बस। लड़के को तुम बड़ा कर लेना, लड़की को मैं बड़ा करूंगा। लड़का तो बुद्धू होगा मैं जानता हूँ, लड़की मेरी बड़ी स्वीट खूबसूरत भोली भाली लाल सा रिबन बांधे हुए भागती हुई पापा के पास आएगी। पापा च्युइंगम खाओगे? और लड़का, माँ पैसे दो, मूंगफली खानी है। इडियट, तुम चुप रहो, मेरे बेटी की तस्वीर मत खराब करो। तस्वीर? अरे कार्टून कहो, कार्टून। तुम्हारी बेटी जैसे बड़ी जुलेखा होगी, तुमसे ज्यादा खूबसूरत होगी। अच्छा अच्छा, पहले शादी तो होने दो। एक आइडिया, अब क्या है? आज अभी शादी कर ले। पहले पिताजी को तो मना लो। पिताजी को बाद में मना लेंगे। तुम्हारे तो सारे काम उल्टे होते हैं, पहले बच्चे होंगे उसके बाद हनीमून फिर शादी। अरे वाह शीतल, मर जाऊं, अभी हनीमून करते हैं बाद में शादी। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अरे अरे अरे, तुमने भी हिटलर की तरह बातें करनी शुरू कर दी। हिटलर? हाँ, हमारे पिताजी, वो किसी हिटलर से कम है, इसी तरह बातें करते हैं। जरा सी बात हुई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बेटा। पिताजी से इतना डरते हो तो फिर शादी की बात कैसे करोगे? बात बाद में करेंगे, शादी पहले। फिर उल्टी बात? नहीं नहीं, पहले पिताजी को मना लो, उसके बाद शादी करेंगे। अगर हिटलर साहब ने जंग का ऐलान कर दिया तो फिर जंग करना, शादी नहीं करेंगे। शादी तो होगी शीतल, तुमसे नहीं, उसी से जिससे पिताजी चाहेंगे। और तुम कर लोगे? क्या करूं, मजबूर हूं। शीतल तुम तो जानते हो कि मैं अपनी माँ बाप का एक ही बेटा हूं, कितनी उम्मीदें हैं उनकी मुझसे। जिंदगी में एक ही बार तो शादी होती, वो भी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई तो कितना दुख पहुंचेगा उन्हें, है ना शीतल? तुम्हें भूलना बहुत मुश्किल होगा मैं जानता हूं शीतल, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान अपना गम भूल जाता है। तुम मुझे भूल जाओगी, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, मेरी शादी कहीं और हो जाएगी और तुम्हारी। तुम कर लेना, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। अरे 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 पगली, तू रो रही है? बेवकूफ कहीं की बुद्धू, मैं तुम्हें छोड़कर अकेले थोड़ी रह सकता हूँ। और नहीं तो क्या, कह तो ऐसे रहे थे। अरे तुम ही तो कह रही थी पिताजी को मनाओ, पिताजी को मनाओ, पिताजी को मनाओ। शादी तुम्हें मुझसे करनी है या मेरे पिताजी से? अरे 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 बुद्धू।
देखा शीतल, भगवान भी तुम्हारे साथ होने लगे। देखा मैं कि हमारे साथ कोई हंसता भी नहीं। ए, अर्जुन, अरे चलो ना यहाँ से। कहा कहीं नहीं, यहाँ से तो चलो, खड़े खड़े भीग रहे हैं। खड़े खड़े? अच्छा खड़े खड़े नहीं भीगना, तो बैठ के भीगेंगे मोटरसाइकिल पे। और क्या हुआ? ये तो होटल है, यहाँ तो लोग होंगे। हाँ होटल है, लोग तो होंगे। चलो चलो चलो, ऐसे भीगे कपड़े में कैसे आऊंगी? हाँ उतार दो, मैं ले चलता हूँ। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, कपड़े उतार कर आऊंगी। हाँ कितना बुद्धू हूँ, लेकिन ठीक ही तो है, बाहर बारिश हो रही है, कपड़े तो गीले होंगे, लोग क्या देख नहीं सकते? कम कम कम, लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं कैसी लड़की है। लोग क्या समझेंगे, कह दूंगा मेरी बीवी है। मेरी बीवी है। एक रूम चाहिए, मिलेगा? सिंगल या डबल? सिंगल यानी कि डबल, वी आर टू, मैं और मेरी बीवी, माय वाइफ, एक छोटा सा कमरा। क्यों, देवानंद किसी और का नाम नहीं हो सकता? मैंने कुछ कहा? नहीं आपने तो कुछ भी नहीं कहा। वेडिंग एनिवर्सरी के दिन इस तरह बारिश में फंस जाएंगे, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब क्या कह रहे राज, तुम दीपू की चिंता कर रही हो? पगली कहीं की, दीपू की चिंता करने की क्या जरूरत है, दीपू की चिंता तो आया करेगी, और वैसे भी अब तक दूध वूध पीकर सो गया होगा। कमरा नंबर 15, फर्स्ट फ्लोर। थैंक यू। लगेज? लगेज बाहर गाड़ी में है, गाड़ी में रहने दीजिए ना, बाद में आ जाएगा। गॉड ब्लेस माय वाइफ। तुम हंस क्यों रही हो? अंधेरे में पूरे भूत लगो तुम, और उजाले में जोगी है ना। क्या हुआ शीतल, जब तुम इस तरह हंसती हो ना तो मुझे कुछ होने लगता है। अरे 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 अरे, हमारी गुड़िया को सर्दी लग रही है। अरे वाह 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 वाह, अरे अभी अभी ठीक कर देते हैं। वाह 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 वाह, सर्दी बाबा भाग जाओ, हमारी गुड़िया को मत सताओ। सर्दी बाबा भाग जाओ, हमारी गुड़िया को मत सताओ, जल्दी जल्दी भाग जाओ, फिर कभी ना वापस आओ। सर्दी बाबा भाग जाओ, कभी ना वापस आओ। ला 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 ला, सर्दी बाबा भाग जाओ, फिर कभी ना वापस आओ।
शीतल आई लव यू, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? है ना? जहां मैं कहूंगा वहां चलोगी ना? चलोगी? चुपचाप हंसकर हां कह दो ना, कह दो, कह दो। पुजारी बिजारी नजर नहीं आता इन इंडिया, यही तो गड़बड़ है। आजकल पुजारी भी संडे मनाते हैं, लेकिन चलेगा चलेगा जब तक मालिक घर में है। नौकर कौन पूछता? कौन 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 कौन? क्या मेरा मतलब है, पुजारी नहीं है तो ना सही, भगवान तो है। चले कम कम। बेमा बेमा एक्सक्यूज मी, ये जयमाला तुम मेरे गले में डाल दो, मैं तुम्हारे गले में डाल देता हूं। अरे डालो ना। देवी मां मुझे मंत्र मंत्र तो नहीं आते, लेकिन मां लेकिन एक बात जानता हूं कि तुम्हारे नाम से बड़ा धर्म कोई नहीं। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं आज से शीतल मेरी धर्म पत्नी है, मेरी अर्धांगनी है। इसका दुख सुख सब कुछ मेरा है, पाप पुण्य अच्छा बुरा मुझे जो कुछ भी जिंदगी में मिलेगा मैं इसी के साथ बांटूंगा, इसी के साथ जीऊंगा, इसी के साथ मरूंगा। तुम सिर्फ तुम हमारी साक्षी हो मां। शीतल आज तक मैं अधूरा था, तुम्हारे इस पाक और पवित्र बंधन ने मुझे पूरा कर दिया है। शादी के बाद पति का नाम नहीं लेती। आइंदा मैंने कहा जी पिताजी से कब बात करोगे? मैंने कहा ना इस बर्थडे पर हमारी शादी का ऐलान हो जाएगा। ओके चलो। मैंने कहा जी जी मोटरसाइकिल तो आ गई, लेकिन मोटरसाइकिल वाला कहाँ है? बताते हैं अभी आ जाएंगे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। डैडी वो पढ़ी लिखी है, अच्छे घर की है, और क्या चाहिए आपको? अच्छे घर की है ये तुम कैसे कह सकते हो? माँ बाप उसके नहीं, रहती हॉस्टल में। अच्छा घर ये पत्थर से नहीं बनता डैडी, जो अच्छे घर के होते हैं उनकी चाल ढाल उनके चेहरे से उनकी हर बात। राजू हम तुम्हारे बाप हैं, हमें अपन सिखाने की कोशिश मत करो। ये घर कोई अनाथ आश्रम नहीं जहां तुम किसी भी गिरी पड़ी लड़की को ले आओ और हमसे ये उम्मीद रखो कि हम उसे अपनी बहू कहें। डैडी आपके होते वो अनाथ नहीं हो सकती डैडी, मेरे होते वो गिरी पड़ी नहीं। डैडी मैंने मैंने उससे शादी की है। क्या
शादी कर ली तुमने? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तो ठीक है। अगर ऐसा ही है तो चले जाओ यहां से, निकल जाओ मेरे घर से। आपका घर आपको मुबारक हो डैडी। ये घर तो क्या, मैं उसके लिए सारी दुनिया छोड़ सकता हूं। शीतल मेरी धर्मपत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। इसका दुख सुख सब कुछ मेरा है। मुझे जो कुछ भी जिंदगी में मिलेगा मैं इसी के साथ बांटूंगा, इसी के साथ जीऊंगा, इसी के साथ मरूंगा। ये घर कोई अनाथ आश्रम नहीं जहां तुम किसी भी गरीब बड़ी लड़की को ले आओ और हमसे ये उम्मीद रखो कि हम उसे अपनी बहू कर। डैडी, चले जाओ हमारे घर। आपका घर आपको मुबारक हो डैडी। ये घर तो क्या, मैं उसके लिए सारी दुनिया छोड़ सकता हूं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उसके बाद मैं राज के घर गई, उनके माँ बाप से मिली, लेकिन उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया। एक बार मैंने भी वही कोशिश की जो इन हालात में हर लड़की करने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन मैं मरी नहीं। मुझे गिरजे के पादरी ने बचा लिया, हर तरह मेरी मदद की, हर तरह पनाह दी मुझे। लेकिन जहाँ जाती थी वही समाज के सवाल कानों में पड़ते थे। करीब 4 साल इसी तरह गुजारे और फिर एक दिन यहाँ इस नौकरी के लिए चली आई। उस पादरी ने मुझे
फादर जॉन के लिए चिट्ठी देकर भेज दिया। जी मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं? मत कीजिए, मुश्किल काम नहीं करना चाहिए। एक आसान काम बताऊं आपको मैं? जी। मेरा कोट दे दीजिए। मैं तो भूल गई। एंड मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो जरूर बताइएगा। पापा चलो ना। बाय बाय मुन्नी। बाय बाय। चलिए जी। दम दिगड़दम दम दिगड़दम दम दिगड़दम दम दिगड़दम। गुड मॉर्निंग बेटे, आज आप स्कूल नहीं गई? आज संडे है, मालूम नहीं? अरे इतने डांट के क्यों बोलती है, जरा प्यार से बात कीजिए ना। ज्यादा प्यार करने से आप खराब हो जाते हैं। बदमाश लड़की बदमाश लड़की बदमाश लड़की बिल्कुल बदमाश लड़की। हमारी बात हम ही पे चिपका दी है। अरे ये क्या है? हमारी बालियां दीपू ने दी हैं। तो दीपू की मम्मी की बालियां होंगी, आपको कैसे दी? कल हमारा बर्थडे था ना, इसलिए हमें प्रेजेंट दी हैं। कल आपका बर्थडे था? था, हमने केक जो खाया था। आप बहुत पाजी हैं, केक खाने से बर्थडे नहीं होता बेटा, बर्थडे पे केक खाते हैं। लाइए हमें दे दीजिए, हम उन्हें वापस कर देंगे। फिर हम क्या पहनेंगे? हम आपके बर्थडे पे आपको नई बालियां ला देंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थंब प्रॉमिस? थंब प्रॉमिस। तो क्या कर रही है? तनिक जासूसी करत है। जासूसी किसकी? तुमरी और किसकी? हम ये देखत है कि तुम का करत हो, कहाँ जात हो, हम सब हिसाब रखी है। अच्छा, किस खुशी में? अरे खुशी काहे की, ये तो हमरे दुख का हिसाब है। हमका ये बताओ कि तुम रोज रोज उस ससुरी मास्टर निकलने काहे जात हो? जाता हूँ, तो क्या हुआ? देखो ये सब हमका बिल्कुल पसंद नहीं। जब हमरी तुमरी जोड़ी अच्छी भली चलत है तो उकी का जरूरत, और हमें कौनो खराबी आई गई बोलो? इस डेड मन की खोपड़ी में भगवान ने एक छटाक अकल नहीं डाली। बड़े आए मास्टर जी, सकल तो देखत नहीं, अकल तोलत है। हम बात करे थे प्रेम की, वो बात करे थे अकल की। कोई पूछे उनसे कि प्रेम में अकल का काम ना चाहे हमका, हटा। गंगू, अरे ए गंगू, हमसे भूल हो गई रे। ला तू अपने हाथ से लगाई दे। गंगू माफी दे देना। ए तू कितना अच्छा है, कितना भोला है रे। और एक ऊ है, ऊ रवि, बड़ा बाबू बना फिरत है। खुद के खोपड़ी माँ तो अकल नहीं, और हम का सिखाते है ससुरा। हाय राम, रवि बाबू की खातिर हम का आंख दिखा था। अरे बुद्धू, हम कौन सचमुच कहते रहे, जवान है सटक गई सुसरी। राम कसम, चल बुद्धू लगाई दे फूल। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटे, हाउ आर यू? फाइन। मम्मी कहाँ है? अंकल, ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने बेटे। शाहजहां कौन है? बहुत बड़ा बादशाह था। क्यों बनाया था उसने? वो अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था, उसी की याद में बनाया उसने। अंकल आप अपनी बीबी को प्यार करते हैं?
हाँ बहुत प्यार करते थे हम। फिर आपका ताजमहल कहाँ है? हमारा बेटा हर कोई ताजमहल थोड़ी बना सकता है। शाहजहां तो बादशाह थे, इसलिए उन्होंने अपनी बीवी की याद में एक ताजमहल खड़ा कर दिया। उसकी बीवी कौन थी अंकल? उसकी बीवी मुमताज, मुमताज महल। आप उससे मिले थे? हाँ मिले थे। मुमताज महल से? दीपू बेटा तुम जाके खेलो। मुमताज महल से या उसकी रूह से मिले थे आप? कहाँ खो गया? कहीं नहीं, याद कर रहा था कि मैं मुमताज महल से मिला था या उसकी रूह से। आप समझ रही हैं कि मैं मजाक कर रहा हूं? ये मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूं। रवि, मैं मर गई तुम मेरे लिए एक ताजमहल बना देना। कहा, रांची या बरेली में? छोटा सा ताज और उस पे लिख देना मेरी मुमताज महल। पता है मुझे कभी कभी लगता है कि उस जन्म में मैं ही मुमताज महल थी। उसकी रूह आज भी मेरे अंदर बसी हुई है। शायद इसलिए चांदनी रातों में मुझे ताज बहुत याद आता है। और उस जन्म में तुम जरूर शाहजहां होगे, है ना? जी नहीं, ना मैं शाहजहां था ना तुम मुमताज हो। तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मुमताज की तरह प्यार करो। क्यों? क्योंकि मुमताज आधे रास्ते में शाहजहां का साथ छोड़ गई। क्या हुआ? रुको ना। क्या है? आइसक्रीम प्लीज। गॉड नो। मैं माँ से कहने वाला हूँ, आजकल जब देखो तुम चरती रहती हो। हाँ स्ट्रॉबेरी ना? एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम देना भैया। एक और आइसक्रीम देना भैया। ये लो बेटा आइसक्रीम। बदमाश है, हट। एक और देना भैया। सबको दो, दो दो देना है। अच्छा, सबको दे, 10 रुपए ले लो, काफी होंगे ना, एक हमें भी दे देना। ये लो। उन्हें दो दो ले दे और मेरे लिए सिर्फ एक। क्या जरूरत थी सबको लेकर देने की? ये तुम तब समझोगी जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे। एक को दोगी दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को दोगी तीसरा नाराज हो जाएगा, तीसरे को दोगी चौथा। बच्चे होंगे हमारे? इतने इतने से कई ज्यादा बच्चे होंगे हमारे। आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा दूंगा उनके लिए। जी हाँ, उनके लिए तो आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाने को तैयार है, और मेरे लिए एक छोटा सा ताज भी नहीं बना सकते। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बच्चे। तुम बड़ी कब? जब मुझसे भी छोटी बच्ची हो जाएगी तुम्हारी, तो बड़ी हो जाऊंगी। कब? यस मोना, इसमें कोई शक नहीं कि तुम मां बनने वाली हो, लेकिन मैं तुम्हें मुबारकबाद नहीं दे सकता। जी बेटी,
आई डोंट थिंक यू शुड हैव अ बेबी। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? व्हाई नॉट? मैं तुम्हें सलाह नहीं दूंगा कि तुम मां बनो। एक तो तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर है और फिर ये रिपोर्ट साफ बताती है कि तुम्हें एनीमिया भी है। एनीमिया? मैं समझाता हूँ, तुम्हारा खून पतला होता जा रहा है, धीरे धीरे खून का पानी बनता जा रहा है। जिस्म में बच्चे की परवरिश के लिए खून का ताकतवर होना बहुत जरूरी है, जो कि तुम्हें नहीं है। हार्ट फेल होने का बहुत ज्यादा खतरा है बेटी। How can that be? Are you sure, doctor? Yes. मैं कह भी नहीं सकती। आपको मालूम है डॉक्टर, कितना शौक है बच्चों का, तो ये सुनकर बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। और तुम्हें कुछ हो गया तो बर्दाश्त कर लेंगे वो। फिक्र न करो बेटी, रवि को मैं समझा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद कह दूंगी किसी सही मौके पर, वरना उन्हें बहुत तकलीफ होगी। आई एम टेरिबली सॉरी मोना, लेकिन जानबूझकर मैं तुम्हें खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। That's all right, doctor. I understand. Ravi? Are you pregnant? मम्मी, मैं पापा बनने वाला हूँ। हाँ या ना? हाँ रवि, लेकिन रवि। आप ठहरिए, जब मैं बुलाऊंगा तब आइएगा। अब आप आ सकती हैं। गुड्डी जैसी बच्ची की गुड्डी जैसी माँ, डॉक्टर से मिलने गई थी, मुझसे पूछ लिया था, ना बताता होगा क्या, एक खूबसूरत सी बच्ची, छोटी सी मोटी सी गोल मटोल बाप की तरह। अब 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 डॉक्टर ने क्या कहा मैं बताता हूँ। डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन नंबर एक, आज से आप सीढ़ियां नहीं उतरेंगी, और अगर उतरेंगी तो अकेले नहीं उतरेंगी, और अगर अकेले उतरेंगी तो मैं और मेरी माँ आपके साथ उतरेंगी। इंस्ट्रक्शन नंबर दो, आज से आप सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगी, और अगर चढ़ेंगी तो वो सब कुछ करेंगी जो नंबर एक में करेंगी मोना। और आज से आप कम से कम दिन में 600 करोड़ बार हंसेंगी, ताकि बच्चे की सूरत हंसमुख हो माँ की तरह। कम से कम दिन में 600 करोड़ ग्लास दूध के पिएगी, ताकि बच्चे का रंग बिल्कुल करा हो बाप की तरह। बस बेटी बस, घबराओ नहीं, थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच जाएंगे, बस कुछ नहीं होगा। कमाल है माँ, कुछ नहीं होगा। कुछ कैसे नहीं होगा, कुछ तो जरूर होगा माँ। एक लड़की होगी, मुटल्ली सी है, नहीं तो लड़का होगा, नहीं तो दोनों हो जाएंगे माँ। लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ कैसे नहीं होगा माँ, कुछ तो जरूर होगा, है? होगा ना? कुछ तो होगा। ओह माय लव। रवि, डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर? Why did you allow her to, क्यों उसे खतरा देने दिया? क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? मोना कैसे? मोना? मोना बेचारी, वो तुमसे कह नहीं सकी। मैंने उसे मना किया था मां बनने के लिए, उसमें उसकी जिंदगी को खतरा था, लेकिन तुमको बच्चों का इतना शौक था कि। मोना कैसी है? She is sinking. यहाँ तो वक्त नहीं है। मोना,
रवि, तुमने ठीक कहा था, दादी की जैसी उतरनी सी होगी, है ना? मोना, मोना, रवि, तुम खुश नहीं? मोना, तुम्हें लड़की चाहिए थी, लड़की दे दी, अब और कोई होगा इस बंदी के लायक? अफसोस है, अब इस मुन्नी को तुम मुझसे ज्यादा प्यार करोगे, इसके लिए तुम आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाओगे ना? और मेरे लिए छोटा सा मोना, तुमने ऐसा क्यों किया मोना? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया मोना? तुम्हें ऐसा करने का तो हक नहीं था। मुझे बच्चे प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन तुमसे ज्यादा तो आंखों के सामने से चला जाए तो सच्ची एक पल में कैसे क्या हो जाता है? कैसे कैसे सहा होगा आपने? कैसे बर्दाश्त किया इतना बड़ा गम? बस इसी तरह मुन्नी के साथ जैसे जैसे आपने बर्दाश्त कर लिया। जिंदगी बड़ी अजीब है शीतल जी, बहुत अजीब। ये सब कुछ भुला देती है और फिर भी सब कुछ याद रहता है इसे। बड़े से बड़ा गम भी वक्त मिल जाए तो जिंदगी उसी की आदि हो जाती है। जी हाँ, वक्त मिल जाए तो जिंदगी अपने आप जीने की राह निकाल लेती है। मम्मी, मम्मी, ये देखिए डैडी का चश्मा। अरे ये कहाँ से उतर लाया? ला मुझे दे, तोड़ दे बेटे। नहीं नहीं बेटा, सच में टूट जाएंगे हैं, हमें दे दो है? हम संभाल लेंगे इसे। तो फिर आप पहनिए। नहीं नहीं नहीं, मम्मी को दे दो, वही संभाल लेंगे उन्हें। नहीं आप पहनिए। मम्मी मम्मी, अंकल बिल्कुल हमारे डैडी लगते। नहीं बेटा, जिद नहीं करते, सच में टूट जाएंगे। जाओ अच्छे बच्चे हो तुम, जाके खेलो है? जाओ। क्या दीपू अपने डैडी को अक्सर याद करता है? नहीं, इसने तो देखा भी नहीं था हमें, लेकिन कुछ दिनों से शायद मुन्नी के साथ। मुन्नी भी कुछ दिनों से शायद दीपू की वजह से अपनी मम्मी को बहुत याद करने लगी है।
मेरी बहू नमस्ते। परना ये बालिया मेरे सब दे देना। मैं बताना भूल ही गई। क्या माँ? आज दादी की चिट्ठी आई है। कितने पैसे मंगाए? पैसे? हाँ पैसे तो मंगवाए हैं। इम्तिहान आ रहे हैं ना? इम्तिहान आ रहे हैं तो पढ़ेगा माँ, पैसों से क्या करेगा? माँ अगर तुम सचमुच चाहती हो कि वो पढ़े लिखे किसी काबिल बने तो उसे उसे इतने रुपए मत भेजा करो माँ। लेकिन उसने लिखा है, रात रात भर जागता है। जागता तो जरूर होगा माँ, लेकिन पढ़ता है या मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है, मेरी प्यास को बुझा दे, आके बुझा आके मिटा। मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है, मेरी प्यास को बुझा दे, आके बुझा आके मिटा। मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है, मेरी प्यास को बुझा दे। प्यास ऐसी प्यास लगी है, मेरी प्यास को बुझा दे, आके बुझा आके मिटा। मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है, मेरी प्यास को बुझा दे। जख्मी जिगर टूटे बदन ओ हम सफर, सूखी जबान जख्मी जिगर टूटे बदन ओ हम सफर। ऐसा हुआ मुझ पे असर, आहें भरूं शाम सहर। मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है, मेरी प्यास को बुझा दे, आके बुझा आके मिटा। मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है, मेरी प्यास को बुझा दे। प्यास
सा है दिल, ला जामला एक बूंद से होगा भी क्या। प्यासा है दिल, ला जामला एक बूंद से होगा भी क्या। जी तो भरे ऐसे पिला, इस प्यास का कर फैसला। मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है, मेरी प्यास को बुझा दे आके, बुझा आके मिटा। मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है, मेरी प्यास को बुझा दे आके, बुझा आके मिटा। अरे लिली कहाँ गई? लिली तो गई प्यारे, तुम्हारी माँ का खत आया है। क्या लिखा है पढ़ यार। प्यारे बेटे बादल, खुश रहो। बहुत खुश हूँ माँ। आजकल तुम्हारी बहुत याद आती है। काट इट यार, काम की बात करो, माल कब आ रहा है? बेटे माल वाल कुछ नहीं आ रहा है, लिखा है इम्तिहान के बाद सीधे घर चले आओ। ये सब रवि भाई साहब की मेहरबानी लगती है। चलो यार सतीश, बुढ़िया से मिल आते हैं। कम ऑन बेबी आउट, बेबी आउट आउट। ओ बादल, बादल, अबे देखना क्या माल है। अरे अरे ये ऊपर काहे चढ़े आते हो, इतना रास्ता पड़ा है दिखाया नहीं देख का। अरे तुझसे नजर हटे तो रास्ता देखो ना महुआ। ये ढक्कन उतारो आपसे तो दिखाई दे है। ये मुफ्त का माल है का? अरे तो घर पर आ जाना, कीमत भी चुका दूंगा। क्यों? जब ये फल इतना मीठा है तो सफर का फल कितना मीठा होगा यार। ये मगर क्या हुआ? उसे देख रहा है जो पादरी के साथ जा रही है। अबे थी कौन जानता है? मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है तेरी कोई पुरानी पहचान निकल आई। अबे शीतल थी, शीतल अपने राज भैया की। अबे बताया नहीं था जो अपने राज भैया की गलती खुला के लाई। चल बेचारे गिरजे में पाप साफ करने आई। चल भारत, कौन है, किसकी तस्वीर है? माई डियर होली फादर, बहुत ही पाक और पवित्र आदमी थे। जिंदगी में कभी चरस को दूर से भी नहीं सूंगा। तो शराब सूंघते हो? जी नहीं, लस्सी पीते थे, लस्सी। अच्छा। बादल, योर ब्रदर मैम। हाँ रवि, क्या हो रहा? चरस, द लेटेस्ट एंड ओल्डेस्ट नशा। कम ऑन जॉइन अस। माँ कहाँ है? माँ को मैंने अंदर भेज दिया। एल्डर्स आर एल्डर्स आफ्टर ऑल, और फिर बुजुर्गों के सामने तो ये हरकत नहीं कर सकते ना। कॉलेज बंद है? थे तो नहीं, कर दिए गए। वो मैसूर या मद्रास के साथ बॉर्डर का झगड़ा चल रहा है ना,
उस सिलसिले में हम लोगों ने कॉलेज में हड़ताल करा दी। तुम्हें कॉलेज भेजा था पढ़ने के लिए, हड़ताल कराने के लिए नहीं। नाउ लुक रवि, खामखा बाप बनने की कोशिश मत करो, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं। दूध पीते बच्चे तो नहीं रहे, हाँ गांजा पीते लोफर जरूर बन गए हो। अपने औकात मत भूलो रवि, तुम्हें सड़क से उठा के घर लाए थे पालने के लिए, मालिक बनाने के लिए नहीं। बादल, शर्म नहीं आती बड़े भाई से इस तरह बात करते हुए? तूने इसे पाला है, जानता है ये ना होता तो आज हमारा क्या होता? जानता हूँ माँ, अच्छी तरह जानता हूँ, बरसों से यही सुनता रहा हूँ पिताजी के बाद। इसी ने रुपया पैसा जायदाद सब संभाला, सारा बिजनेस देखा, तो क्या हुआ? कौन सा एहसान किया हम पर? किसी कुत्ते को भी रोटी डालो तो वो भी दरवाजे के बाहर पैदा देने लगता है। साले को जान से मार डालूंगा, देख लेना, इसी पे हंस पाऊंगा पिस्तौल अपना, गोली मार के रख दे। छोड़ ना यार, दफा कर उसे, ताकि पिस्तौल मेरे हवाले कर दे, इसीलिए कॉलेज से निकाले गए, अब घर से निकलेगा, कल उसके बाप का। रवि बाबू, रवि बाबू, बचा लो हमका, आ आ मर गई, आई बचा लो हमका, ओए क्या हुआ? हुआ रवि बाबू, हम गिरे पड़ी है पेड़ से, हमारे पाँव में मोच आ गई। रवि बाबू, हमका डॉक्टर करने ले जाओ। मवा तेरी मोच को हम अच्छी तरह समझने लगे। हम सच कहते हैं राम कसम, वो देखो हुआ से गिरी है, उतने ऊंचे से कहू गिरी है तो का पैर में मोच ना आए हैं? तुम हम कूद के देखो, टांग ना टूटे तो बोलो हमका। तुझे ऊपर चढ़ने के लिए किसने कहा था? अरे तो हम कौन खुशी से चढ़े, वो शेर दिख गवा था, दूसरा हमार पीछे भागा, हम दौड़कर पेड़ पे चढ़ गए रहे। शेर? हाँ। यहाँ? हाँ। इस जंगल में? और का, राम कसम। देख मरवा, ये झूठ मूठ राम की कसम मत खाया कर, वरना एक दिन सचमुच रावण आएगा और उड़ा कर ले जाएगा, और तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। चल चल उधर। तो का हम 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 का झूठ बोले थे? बड़े तुलसीदास, हम का रामायण सुनाते हैं। क्यों महुआ, बड़े भैया ने कान खींच लिया, बहुत तकलीफ हुई होगी ना? तो का हुआ, छोटे भैया जो हैं, हमार सब तकलीफ दूर कर दे हैं। क्यों नहीं, सब तकलीफ दूर कर दूंगा, लेकिन तुम मिले तब ना, और फिर रवि में क्या रखा है? की धरा है रवि बाबू माँ, समझे छोटे भैया? देख लूंगा महुआ। शीतल, बहुत दिनों के बाद देखा तुम्हें, कैसी हो? उनके आजकल स्कूल में बहुत काम रहता है? जी हाँ, काम तो रहता ही है, आप भी तो काफी बिजी होंगे अपने काम में। हाँ रहता है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम मिल भी ना सकें। आओ तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ, स्कूल जा रही हो ना? शुक्रिया, मैं इधर से चली जाऊंगी। अच्छा तो कल स्कूल के बाद बच्चों की रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। शीतल जी, तुम कुछ सब कुछ ठीक तो है ना? जी हाँ, मैं कल आऊंगी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। शीतल, हेलो फादर। शीतल मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी कहिए। मेरे साथ चलो। जी मुझे कहीं जरूरी काम से जाना है। जो कुछ मुझे तुमसे कहना है वो भी बहुत जरूरी है। आओ शीतल। कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारी ये झिझक ये परेशानी मैं अच्छी तरह समझता हूं, और सच पूछो तो मैंने भी बहुत कोशिश की कि
और पास आकर तुम्हें परेशान न करूं, लेकिन लेकिन तुम बहुत करीब आ गई हो शीतल, इतने करीब कि चुपचाप उठ के जाया न गया, इसलिए आज मजबूर होकर तुमसे कहने आया हूं कि मैं अगर मैं तुम्हारे हालात ना जानता तो शायद अपनी बात तुमसे कभी ना कहता। शीतल, मैं तुम्हें चाहता हूं, प्यार करता हूं, और ये कहते मुझे कोई पाप महसूस नहीं होता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, घर ले जाना चाहता हूं। नहीं रे बाबू, ये मुमकिन नहीं, इसीलिए तुम्हें चुपचाप आपके रास्ते से हट जाने की कोशिश कर रही थी। क्यों क्यों मुमकिन नहीं? अरे बाबू, आप तो जानते हैं, मेरी पिछली सारी जिंदगी जानते हैं, मेरे साथ दीपू है, जिसके लिए मुझे क्या क्या नहीं सहना पड़ा, क्या कुछ नहीं कहा लोगों ने, मैं जानती हूं आप उससे बहुत प्यार करते हैं, और वो भी आपसे मुन्नी से बहुत हिल गया है, लेकिन लेकिन आपका अपना भी तो एक संसार है। मेरा और कौन सा संसार है? बस एक मुन्नी है जिसे तुम्हारी जरूरत है, जिसे एक मां चाहिए, जिसे एक भाई से प्यार हो गया, बस तुम आ जाओ, हम अपना एक संसार बसा सकते हैं। नहीं रे बाबू, दुनिया की बातें जो आप तक अकेले सहते रही हूँ, कल आपको भी सहनी पड़ी तो? मुझे किसी दुनिया का डर नहीं शीतल, और फिर दुनिया के डर से कोई जीना थोड़ी छोड़ देता है। अगर हमें अपने दुख पे रोने का हक है तो फिर अपने सुख पर हंसने का अधिकार भी तो है। याद नहीं, हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। राज यही कहा करता था ना, यही सिखाया था ना उसने। हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहां कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो।
मैं राज को नहीं भुला सकती फादर, वो आज भी मेरे पास है, मेरे साथ है। मैं क्या करूं, मैं नहीं भूल सकती राज को, मैं नहीं भूल सकती। मुझे कहीं और भेज दीजिए फादर, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन यहाँ से जाके रवि को भूल पाओगी? शीतल, अगर तुम रवि से मिलना नहीं चाहती तो उसे समझा क्यों नहीं देती, उसे कह क्यों नहीं देती? मैंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की फादर, लेकिन मैं उन्हें नहीं समझा सकती कि राज जिंदा है मेरे लिए आज भी। नहीं बेटी, ये सही नहीं। जिंदगी में यादें होनी चाहिए, लेकिन यादों को जिंदगी न बनाओ। राज की याद को सहारा बना लो, उसे बंधन न बनाओ। और फिर रवि जैसा अच्छा नेक इंसान। मैं जानती हूँ फादर, मैं उन्हें तो कोई दोष नहीं देती, लेकिन राज के साथ कैसे कैसे ये अन्याय करो? अन्याय तुम राज के साथ नहीं, रवि के साथ कर रही हो, जो तुमसे प्यार करता है। अन्याय तुम अपने साथ कर रही हो, क्योंकि तुम भी उससे प्यार करती हो। और सच पूछो तो सबसे ज्यादा अन्याय तुम बच्चों के साथ कर रही हो, जिनकी जिंदगी का सवाल उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारी अपनी जिंदगी का। देखो बेटी, ये मत समझो कि तुम्हारा फैसला मैं कर रहा हूं, अपना फैसला तुम्हें खुद ही करना होगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, तुम अपने पास बैठो, अपने मन के पास, और उससे पूछो। तुम्हारे मन का फैसला ही खुदावंद का फैसला होगा। शीतल, मैं तुम्हें चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, और ये कहते मुझे कोई पाप महसूस नहीं होता कि मैं तुमसे। A for apple, B for bat, C for cat, D for mummy, D for Deepu, नहीं है डैडी, मम्मी, एम फॉर मम्मी, नहीं एम फॉर मुन्नी। अच्छा बेटे, इधर आओ जरा देखूं तो। हाँ बिल्कुल ठीक है मम्मी, ये स्वेटर तो बहुत अच्छा है, मुन्नी के लिए भी बुनो ना, उसकी तो मम्मी भी नहीं है, फिर उसके लिए कौन बुनेगा? हाँ बेटे, मुन्नी के लिए भी जरूर बुनूंगी। तुम्हें बहुत नींद आ रही है ना, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा और कौन सा संसार है? एक मुन्नी है जिसे तुम्हारी जरूरत है, जिसे एक माँ चाहिए, एक भाई से। पापा पापा, आज स्कूल में छुट्टी हो गई, एक ही असल नहीं। अच्छा? आज मिला है ना पापा? हम जानते हैं बेटा, इसलिए गंगू की ड्यूटी हम कर रहे हैं। चलिए 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 घर चलें। पापा हम घर नहीं जाएंगे, हम मेला देखने जाएंगे। हम भी मेला देखने जाएंगे पापा। ए, तुम क्यों पापा बोलते हो, तुम्हारे पापा थोड़ी है। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हेलो बेटे, हाउ आर यू? हम फिर इसकी मम्मी को मम्मी बुलाएंगे तो। चलो मुन्नी घर चलेंगे बेटे। पापा हम घर नहीं जाएंगे, हम मेला देखने जाएंगे। हमेशा जिद नहीं करते, चलो घर चलें। पापा हम घर नहीं जाएंगे, हम मेला देखने जाएंगे। सुनो नहीं मैंने क्या कहा, चलो घर चलो। क्यों डांटते हैं इस बेचारी को, क्या किया है इसने? चलो मुन्नी हम तुम्हें पिकनिक पे ले चलेंगे, पापा नहीं जाते तो न जाएं। तुम मम्मी के साथ चलोगी? चलोगी ना? हाँ हम चलेंगे। चलो 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 चलो, चलिए ना।
आज हमें कहीं पिकनिक पे ले चलिए। जी चलिए ना। आप भी चलेंगे? अगर आप ले चलें। आप मेरे साथ चलेंगे? जी हाँ, अब तो आप ही के साथ चलूंगी। शीतल माँ को ढूंढ लिया और दीपू ने आज तो मैं कोई भूल नहीं कर रहा। आप मुझे माँ जी से मिलाने कब ले चलेंगे? कब चलोगी? आपको विश्वास है कि माँ जी मुझे अपना लेंगी? विश्वास? शीतल मुझे पूरा विश्वास है, मां तुम्हें पाकर सचमुच बहुत खुश होंगी। पापा। क्या है बेटे? हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप? हम नहीं बताएंगे। तुम बताओ दीपू। हम भी नहीं बताएंगे। अरे जाइए जाइए, कुछ नहीं बताने के लिए, कुछ नहीं मालूम है। मालूम है। क्या मालूम है? पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से क्या है? प्यार है, प्यार है। मम्मी तेरी अच्छी है, कितनी भोली भाली है। पापा
भी तो अच्छे हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं, है ना, बोलो बोलो, है ना, बोलो बोलो, मुन्नी बोलो बोलो, दीपू बोलो बोलो, बोलो बोलो, है ना, बोलो बोलो, पापा को दीपू से, मम्मी को मुन्नी से प्यार है। ऐसी क्या बात है, उसे चुप क्यों करा रहा है? माँ को कुछ यूं ही शरारत कर रही है। माँ आप कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप सीधे ऊपर जाएंगे? हाँ हम ऊपर जाएंगे। दादी माँ हम नई मम्मी से मिलने गए थे। नई मम्मी? ये नई मम्मी कौन है, क्या कह रही है मुन्नी? माँ मुन्नी मुन्नी तो माँ पाजी है, पाजी है। मतलब मुन्नी झूठ बोल रही है? नहीं झूठ तो नहीं कहती माँ, लेकिन सच ही है। बात यह माँ कि तुम कहा करती थी ना, तुम हमेशा कहती थी कि बहू ला दे, तो मैंने मैंने एक बहू देखी तुम्हारे लिए माँ। सच? कौन है वो, कैसी है, कहाँ है? माँ माँ वो मुन्नी के स्कूल में पढ़ाती है, उसका नाम शीतल है। नाम तो जाना सुना है। माँ बहुत ही अच्छी लड़की है, बिल्कुल शरीर सीधी सादी घरेलू किस्म की, लेकिन देखने में कैसी है? माँ बहुत तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो हो नहीं सकती माँ, लेकिन अच्छी है, बहुत अच्छी है माँ। जो है सो है, देख लेना, मैं उसे कल लाऊंगा माँ। हाँ बेटा सुन तो। मुबारक हो माँ। बादल, अरे बादल सुना, रवि शादी कर रहा है। सुना माँ, सब सुना। कल उसे घर पर लेकर आ रहा है, तू भी घर पर रहना और अपने होने वाली भाभी को देख लेना। तुम देख लो माँ, मैंने देखा है उसे। देखा है तूने? अच्छी है ना? शक्ल सूरत से तो अच्छी है माँ, लेकिन लेकिन क्या, चाल चलन के बारे में कुछ कहना जरा मुश्किल है। क्या मतलब? क्यों, रवि ने कुछ बताया नहीं? क्या क्या नहीं बताया? यही कि उसका एक बेटा भी है। क्या क्या कह रहा तू? ओह तो रवि ने कुछ नहीं बताया। देखो माँ, मैं तुम्हारे नेक बेटे रवि के रास्ते में आना नहीं चाहता। या तो वो लड़की रवि को बना रही है, या तो फिर रवि तुम्हें बना रहा है। यही नहीं कि उसका बेटा भी, बल्कि नाजायज बेटा, जिसका बाप कौन है कोई नहीं जानता। मैं नहीं कहता माँ, सतीश से पूछो, सतीश अच्छी तरह जानता है उसे। सतीश बताना माँ। हाँ माँ, वो हमारे ही शहर की रहने वाली है, मगर वो लड़की बदनाम बहुत थी। मेरे एक अंकल हैं, बहुत अमीर है माँ जी,
उनके अकलौते लड़के को भी इसने फांसने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि जब वो लड़का अचानक एक एक्सीडेंट में मारा गया तो ये मेरे अंकल के घर आई थी ये कहने के लिए कि ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं तो कहता उसका बच्चा था भी तो शादी से पहले क्यों? हम पर एतबार नहीं तो खुद लड़की से पूछ लेना, कल तो वहां ही रही है। माँ मैं जानता हूं मैं बुरा आदमी और रवि भैया बहुत अच्छे बहुत नेक, लेकिन तुम ही बताओ माँ ऐसी औरत को मैं भाभी कह के कैसे बुलाऊंगा जिसकी मैं इज्जत नहीं कर सकता। इससे तो अच्छा होगा रवि ये घर छोड़ दे या मैं चला जाऊंगा ये घर छोड़ के। देखा क्या लंगड़ी मारी है बेटे को, शीतल को तो आउट किया, अगली बार रवि भी घर से बाहर नजर आएगा। प्यारे माँ पर तो अपना पूरा कॉन्फिडेंस जम गया है 100%। यार ये क्या चीज है बहुत चढ़ रही है। बहुआ मामा अच्छा बहुत सर चढ़ रही है। उतारने का भी बंदोबस्त करते हैं यार। टॉनी टॉनी हम टॉनी है रवि बाबू का टॉनी बाबू का ओ, ओ, ओ रवि बाबू महुआ से मिलना चाहते हैं। मिलना चाहत है कब? कभी भी अभी बाद में दोपहर को शाम को रात को आधी रात को कभी भी लेकिन आज। महुआ का है री चंपा का कुसुर कुसुर करे थे हुआ कुछ नहीं कुछ नहीं तेरे बुलवा आवा है तुहार बुलवा का मत बंदी मत पर जी के ऊ बुलाए हैं तुमका का नाम है हाँ रवि बाबू। राम कसम हाय राम तुहार तो हाथ पांव ढीले पड़ गए। अरे कब बुलाए हैं रवि बाबू? कभी भी अभी बाद माँ दोपहर माँ शाम को रात को आधी रात को कभी भी लेकिन आज। अरे ठीक से बोलो ना तुमका कौन कहा? वो टुन्नी रवि बाबू के टुन्नी कहे चंपा कह तो दिया रवि बाबू का बुलौवा लेके आई रहा हम तो कह दिया तू नहीं जा सकत। हाय राम ये का कह दिन काहे घबरात हो हम कह दिए हैं उस तो के पा रही है घबराए हमार जूती पर वो जो इंतजार करत हुई है तुहार जल्दी नहीं पर माँ ऐसा का काम पड़ गवा जो रवि बाबू छत से आदमी भेज दे। अरे काम काहे का बस हमसे मिलने का बहाना है कल ना ही मिल पाए सो आज बुलावा है कबा हमका देखे बगैर वो एक दिन भी नहीं रह सके। ठेंगे की तरह खड़े हो रस्ते में हटो का हम का किए हैं देखो देखो हम पत्थर उठा के मार दे बोले दे थे देखो हम काट खा ब्राह्म कसम नोच ले तो का सुने तो
रवि बाबू बुलाए थे हमका दुनिया आए रहा हमार कने बोल गवा ये तोहर भैया का कौन है जरूरी काम पड़ गवा हम बोले कि हम का करी वो बोला कि रवि बाबू बोले थे कि मुआ नहीं आज तो हमार काम नहीं बने राम कसम बादल बादल ये शीतल हैं बादल मेरा छोटा भाई है ये तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कैसे हैं बस ही वो मोटरसाइकिल से गिर गया था माँ तुम्हारा इंतजार कर रही ये सर माँ का जी ऊपर होंगी उनको बुलाऊं नहीं 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 तू जाके चाय तैयार कर जी बहुत अच्छा देखो मैं माँ को बुलाता हूँ तुम बैठो तुम ही शीतल हो जी तुम मेरे बेटे रवि से शादी करना चाहती हो क्यों क्यों शादी करना चाहती हो जी पैसा दौलत इज्जत या प्यार हो गया है उससे इससे पहले भी तो तुम्हें किसी से प्यार हुआ था ना उससे शादी नहीं हुई सुना है उसके बच्चे की मां हो लेकिन क्या सबूत है कि बच्चा उसी का है जिससे तुमने प्यार किया था मां मां जी आप
क्या मैं झूठ कह रही हूँ कि इससे पहले भी तुमने घर में ये पाप थोपने की कोशिश की थी और उस घर से निकाली गई हो? क्या मैं नहीं जानती कि तुम अपना पाप छुपाने के लिए घर खोजती फिर रही हो? दुनिया से ज्यादा तुम्हें अपने बेटे से डर है, कहीं कल बड़ा होकर वही तुम पर उंगली न उठाए। इसीलिए मेरे बेटे को फंसाया है तुमने, इसीलिए मेरे बेटे से प्यार हो गया। क्या क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रही हो? शीतल, इसे जाने दो। ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। शीतल, जाने दीजिए मुझे। मैंने कहा था आपसे, लेकिन आप नहीं माने। आज दूसरी बार जिंदगी में वही ठोकर का। नहीं शीतल, ऐसा मत करो। माँ को कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई गलतफहमी नहीं, मैं जानती थी यही होगा। नहीं शीतल, ये नहीं होगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये नहीं होगा। अगर तुम गई तो इस घर से अकेली नहीं जाओगी। मैं वादा करता हूँ। क्यों किया मां? तुमने ये क्यों किया मां? तुम्हें तो ये करने का हक भी नहीं था। इस भारी पूरी उभरती हुई दुनिया में कोई और ये करता तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन तुमने ये क्यों किया मां? तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने क्यों किया और किस लिए किया। ऐसी लड़की जो नाजायज बच्चे की मां हो, इस घर की बहू नहीं बन सकती। तो इस घर की मां बन सकती है? तुम अपनी भूल का बदला शीतल से ले रही हो। आज तुम शीतल से नहीं, अपने आप से, अपनी पिछली जिंदगी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं किसका बेटा हूं? सच बताओ, मेरी मां कौन है? सच नहीं कि तुम ही मेरी मां हो और तुम्हारी शादी से पहले मैं पैदा हुआ था? लेकिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो मां कि बादल के पिता ने तुम्हें स्वीकार किया और दुनिया को दिखाने के लिए कह दिया कि तुमने मुझे गोद लिया, कि मैं यतीम हूं, लावारिस हूं। और आज अपने ही बोले हुए झूठ को तुम्हें भी सच मान लिया मां, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा ख्याल था कि मैं सच जानता नहीं। लेकिन शीतल ने वो नहीं किया मां जो सच तुम नहीं कह सके। उसने कहा क्योंकि उसे मां होना कोई जुर्म नहीं लगा, उसने ममता को कोई पाप नहीं समझा। मैं जा रहा हूं मां, मैं इस घर से हमेशा के लिए जा रहा हूं और यकीन करने की कोशिश करूंगा कि मैं लावारिस हूं, यतीम हूं, मेरा कोई बाप नहीं, मेरी कोई मां नहीं। दीपू बड़ा प्यारा लड़का है, बिल्कुल राज की तरह। सुना है यहां स्कूल में पढ़ाती हूं। बहुत तकलीफ उठाई होगी ना बेटे को बड़ा करने में, बहुत कुछ सहना पड़ा होगा। क्या कुछ नहीं कहा होगा लोगों? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी हूँ, पढ़ाती हूँ, इज्जत से रहती हूँ, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे किसी से
मुझे किसी से क्या लेना है? मेरा बेटा है, बड़ा आ जाएगा तो मैं सब कुछ बता दूंगी, समझा दूंगी। वो मुझसे नफरत नहीं करेगा, मैं जानती हूँ। वो लोगों की बात में नहीं आएगा। मैं जानता हूँ बेटी, लोगों ने क्या कुछ कहा होगा, वही ना जो मैंने कहा था, जिसके लिए मैं पछता रहा हूं। मुझे तुम्हारे सामने आने का कोई हक नहीं, लेकिन अपने किए की माफी मांगने आया, तुम चाहो तो अभी मुझे घर से निकाल दो, और चाहो तो मेरे साथ चलो, मेरे पास रहो। आपके पास, आपके घर में? कि उसी जबान से कह रहे हैं आप जिस जबान से कहा था शरीफों का घर है, कोई कोठा नहीं कि चली आई हो। उसी के पास जाकर रहूं जिसने मेरे पति की निशानी को पाप का कलंक समझकर मुझे धुतका दिया था। आपका घर आपको मुबारक हो, मुझे तो अब उस घर की तरफ देखने में शर्म आती है। बेटी, वो घर सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारे पति का भी है, तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का भी है। अगर तुमने पति खोया है तो मैंने भी अपना बेटा खोया है। राज के बाद मैंने एक दिन भी चैन से नहीं काटा। बेटी, जो सलूक मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके लिए राज मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन तुम, अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो शायद मैं चैन से मर सकूंगा। हम कहाँ जा रहे हैं पापा? हम यहाँ से जा रहे हैं बेटे। लेकिन कहाँ जा रहे हैं पापा? और दीपू भी साथ जाएगा, और मम्मी भी, नहीं मम्मी वो भी साथ जाएंगे। पता नहीं बेटे। गंगू क्या कर रहा है? क्या हुआ तुझे? पागल तो नहीं हो गया? बोल, बता, बोल क्या हुआ तुझे? बोल गंगू क्या बात है, बता। मैं बताता हूं रवि। बादल जॉन, बादल चल भाग चलते हैं, जरूर कोई गड़बड़ हो रही है। क्यों भागे? देखते हैं। किसने मारा? इसी दिन का तो इंतजार था, आज तमाशा देखते हैं। रवि भैया का चला। ओह गॉड, रवि गंगू बेचारा समझ रहा था कि मैंने, फादर आप समझते कि मैंने ये। रवि, महुआ ने गिरजे में घंटे की रस्सी गले में बांध कर खुदकुशी कर ली। और रवि बाबू, इसकी हालत से साफ पता चलता है कि किसी ने इसकी इज्जत लूटी है। अरे कहा किसी ने, अब वो कहने तो गए रही मामा, आपो का बुलावा तो आ रहा, आप ही का टुन्नी आ रहा, कहेगा वो कौन जरूरी काम से रवि बाबू बुलाए हैं। रवि बाबू, रवि बाबू, आपका बच्चा है ना रवि बाबू। तेरे सारे झूठ सुने मैंने, लेकिन बस एक सच तूने कहा और मैं।
तुम्हारे चेहरे पर ये निशान काहे के हैं? जी निशान निशान यूं ही। मोटरसाइकिल से गिरे थे? जी हाँ, मैं मोटरसाइकिल से गिर गया था। एक साथ गिरते तुम दोनों? जी एक साथ नहीं। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मेरी माँ की कसम मुझे नहीं मालूम। बताता हूँ। बादल ने भेजा था, टोनी को। रवि आगे मत बढ़ना। मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ना, पाइप गोली तो मार दूंगा। रवि मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ना, गोली मार दूंगा। रवि मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ना। रवि रवि मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ना। Don't move. Badal, jeep la. Papa, chabi meri paas hai. Papa, chabi meri paas hai. Munni! Munni, chabi mujhe de de, Munni. Chabi mujhe de de. Munni, Ravi, I'll shoot you. मेरी बहादुर बेटी डर गई थी। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। अरे गंगू मुझे छोड़ दे, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे गंगू, मुझे माफ कर दे, मैं फिर कभी कुछ नहीं करूंगा। गंगू मुझे माफ कर दे, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, मैं फिर कभी कुछ नहीं करूंगा। माँ मुझे बचा ले, बचा ले माँ, बचा लो माँ। गंगू मुझे माफ कर दे गंगू, मुझे माँ, माँ मुझे बचा लो माँ, इस बार बचा लो माँ, फिर कभी कुछ नहीं करूंगा। तुझे मेरी सौगंध माँ बचा लो। मैं कौन हूँ जो तुझे बचाऊ? मैं अपनी भूल का प्रायश्चित कर रही हूँ, तू अपने पाप की सजा पूरी कर। मुझे माफ कर दे माँ, माँ मुझे बचा ले, माँ माँ मुझे बचा लो। शीतल के पास जा रहा है, वो नहीं मानेगी, तेरे मनाने पर भी नहीं मानेगी। भूल मेरी थी, मुझे ही चलकर मनाना चाहिए। माँ
सब ठीक हो जाएगा रवि, गुड लक। थैंक यू फादर। मेरे साथ आए। दीदी जी तो चली गई। चली गई? दीपू को भी साथ ले गई। दीपू को कहा? एक बड़े साहब आए थे, बीबी जी को भी ले गए, सारा सामान भी लेके चले गए। कहाँ लेकर चले गए? उधर गाड़ी स्टेशन जा रहे हैं। आया। मम्मी हम बम्बई क्यों जा रहे? बेटे वहाँ आपका बहुत बड़ा घर है, आपके लिए बहुत से खिलौने हैं। फिर हम वापस कब आएंगे? नहीं बेटे, अब हम कभी वापस नहीं आएंगे। फिर हम मुन्नी से कैसे मिलेंगे? दीपू तू कहाँ जा रहा है? मम्मी आप कहाँ जा रही हैं? हाँ शीतल तुम कहाँ जा रही हो? माँ आई है तुम्हें घर ले जाने के लिए। बेटी मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया लेकिन मेरी गलती की सजा रवि को मत दो, अपने आप को मत दो, इन बच्चों को मत दो। माँ जी माँ जी बहुत देर हो रही है। नहीं बेटी देर तो मुझसे हुई, अभी तुम्हारे सामने तो सारी जिंदगी पड़ी। नमस्ते, मैं राज का पिता हूं, बहू लेने आया था, समझूंगा अपनी बेटी देके जा रहा हूं। पिताजी सुखी रहो बेटी।